शुक्रवार को रियान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की निर्मम हत्या के बाद तमाम पेरेंट डरे हुए हैं। अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर लगने लगा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो 5 बातें जिन्हें अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आपका बच्चा स्कूल और बाहर घूमने वाले राक्षसों से बच पाएगा। पहली बात, स्कूल में कभी भी अकेले कहीं न जाएं। बच्चों को सिखाएं कि स्कूल में अगर टॉयलेट या फिर किसी दूसरे क्लासरूम में जाना हो तो अकेले न जाएं। बच्चों को ये भी बताएं कि वो अपने साथ किसी क्लासमेट को ले जाएं या अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो उनके साथ किसी और को भेजें। दूसरी बात, स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ से बच्चों को बात न करने को कहें। अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि वो स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि बस कंडक्टर, माली, ड्राइवर और प्यून, इनसे दूर ही रहें। वो बस से उतरकर सबसे पहले सीधे अपने क्लासरूम में जाएं। कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ अगर उनके करीब आने की कोशिश करे तो वो फौरन अपनी टीचर को इसके बारे में बताएं। तीसरी बात, बस में संदेहास्पद व्यवहार दिखे तो फौरन बताएं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों का एक बड़ा वक्त स्कूल बस में बीतता है। अपने बच्चों को ये बात जरूर सिखाएं कि बस में भी वो सावधान रहें। वो अकेले एकदम पीछे की सीट पर ना बैठें। बस ड्राइवर या कंडक्टर से उन्हें दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बच्चों को इस बात की भी ट्रेनिंग दें कि अगर बस में उन्हें कुछ भी गलत या संदेहास्पद दिखता है तो वो अपने गार्जियंस और टीचर को इसके बारे में जरूर बताएं। चौथी बात, कोई भी गलत तरीके से छुए तो घर पर जरूर बताएं। स्कूल आते जाते वक्त या स्कूल में अगर बच्चे को कोई भी गलत तरीके से छूता है तो बच्चा ये बात घर पर जरूर बताए। ऐसी ट्रेनिंग भी बच्चे को दिए जाने की जरूरत है। बच्चों को रॉन्ग टच के बारे में बताएं। रॉन्ग टच से होशियारी के साथ बच्चा कैसे बचे और बिना डरे अपने घर पर अभिभावकों को बताए, ये ट्रेनिंग काफी इम्पोर्टेंट है। और पांचवी बात, स्कूल की सुनसान जगहों पर जाने से बचें। जी हाँ, अपने बच्चों को सख्त हिदायत दें और प्यार से भी समझाएं कि वो स्कूल की सुनसान जगहों पर अकेले या फिर दोस्तों के साथ भी जाने से बचें। हर स्कूल में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो एकदम सुनसान होती हैं, जैसे कोई कॉरिडोर, गार्डन का किनारा या फिर डांस क्लास या कोई खाली पड़ी क्लास। अपने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन करें कि वो आपकी बातों को समझे और स्कूल में आपकी हिदायतों का अच्छी तरह से पालन करें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।